क्या आपका पार्टनर भी आपको बार बार चीट कर रहा है? आपको पता है सामने वाला आपको बार बार चीट कर रहा है, लेकिन आप कुछ नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि आपके फीलिंग्स इन्वेस्टेड हैं, आपने इतने सपने देखे हैं उसे लेकर, और इतनी सारी चीज़ें हैं साथ में जुड़ी आपके कि आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए, क्योंकि आपको पता है सामने वाला बार बार आपको चीट कर रहा है और आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। अगर आप भी ऐसी सिचुएशन में फंस चुके हो तो जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनो और इस पर्सपेक्टिव से, इस नज़रिए से एक बार समझ के देखो इन चीज़ों को, और फिर जज करो और फिर फैसला लो कि आपको क्या करना चाहिए। देखो, सबसे पहली चीज़, रिलेशनशिप में अगर एक इंसान आपको धोखा दे रहा है तो समझ लो आपकी रिलेशनशिप वहाँ पे ख़त्म हो चुकी है। फिर उसमें आगे गुंजाइश ही नहीं है कि कोई भी चीज़ हो, किसी भी तरीके की कोई भी एक्टिविटी हो आपकी तरफ से या उसकी तरफ से। अगर आपका पार्टनर आपसे माफ़ी भी मांगता है कि यार मुझे माफ़ कर दो, मैं बहक गया था, मुझे माफ़ कर दो, तो मुझे टाइम नहीं देते तो मैं क्या करूँ, मेरी नीड्स थी, मुझे वो फुलफ़िल करनी थी। कई बार पार्टनर हमें इस तरीके से समझाते हैं कि मेरी नीड है, फिज़िकल होना मेरी नीड है और मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे फिज़िकल होना पड़ा, मुझे धोखा देना पड़ा, मुझे चीट करना पड़ा। तो लोग अपनी सफाइयों को इस तरीके से देते हैं, अपनी मजबूरियां दिखाकर। ऐसी सिचुएशन में कभी भी उस इंसान पर भरोसा मत करना। अगर आप इस इंसान पर भरोसा करोगे तो ये ऐसा हो गया कि सामने वाले ने आपको एक बार मौका दिया कि भाई अपनी जान बचा ले, लेकिन आपको था कि नहीं, दोबारा गोली मारो, मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है। आपने फिर उसके हाथ में गन दे दी और गन देने के बाद आपने फिर उसे मौका दिया कि मुझे फिर से गोली मार, और सामने वाले ने फिर से आपको गोली मारी। आप बार बार ये कर रहे हो। मैंने अपनी लाइफ में खुद देखा है। मैं लेस टॉक सेशंस लेता हूँ, आप जानते ही होंगे। उन सेशंस में मेरे पास ऐसे कई बार लोग आए जो बताते हैं कि हमने अपने पार्टनर को दो नहीं, चार नहीं, छः छः बार चांसेस दिए हैं, क्योंकि हम इतने बेबस और इतने लाचार हो जाते हैं कि हमें लगता है कि इस इंसान के बिना हमारी ज़िंदगी अधूरी है, और इससे दूर हो जाना हमारे लिए एक, मतलब एक कहना चाहिए, एक नाइटमेयर है, एक बुरा सपना है। तो अब हमें जैसा भी है हम उसे एक्सेप्ट तो करना ही है, और सामने वाले की गलतियों पर हम खुद ही पर्दा डालने लगते हैं। ये गलती कभी भी मत करो। अगर एक इंसान आपको धोखा दे रहा है तो जो एक बार दे रहा है वो दोबारा भी देगा, वो बार बार देगा, और आप कुछ नहीं कर पाओगे, आपको बार बार धोखा मिलता रहेगा। ऐसी सिचुएशन में कभी भी ये मत फील करो कि आपकी ज़िंदगी सिर्फ उसी इंसान से जुड़ी हुई है। एक इंसान अगर आपको बार बार धोखा दे रहा है तो उस इंसान पर दोबारा ना ही भरोसा करो, ना ही उसे सेकेंड चांस दो। आप चांसेस सेकेंड नहीं, आप चांसेस थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स चांसेस दे रहे हो। क्यों? आखिर क्या मजबूरी है जो उसी इंसान को चाहते हो? क्या एक बार धोखा मिलने के बाद आपको समझ में नहीं आया, क्या आपकी आंखें नहीं खुली कि जो इंसान आपको एक बार धोखा दे सकता है वो आपको कई बार धोखा दे सकता है, वो बार बार आपको धोखा देगा? क्या आपको इतना भी एहसास नहीं हुआ? क्या आपको अपनी जान, अपनी ज़िंदगी इतनी, मतलब उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है आपको? क्या आपके माँ बाप ने इस दिन के लिए पैदा किया है कि आप एक ऐसे इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहते हो जो इंसान आपको बार बार धोखा दे रहा है? जो इंसान शादी से पहले ऐसा, वो शादी के बाद क्या होगा? और अगर शादी के बाद अगर आप ये सिचुएशन फेस कर रहे हो तो आप उसके साथ क्यों रहना चाहते हो? आखिर उससे आपको मिल क्या रहा है? एक इंसान लॉयल्टी नहीं दे सकता तो वो कुछ भी नहीं दे सकता ज़िंदगी में। अगर वो मेरा है तो वो सिर्फ मेरा होना चाहिए, वो बटे क्यों किसी और में? और अगर वो बट रहा है तो फिर वो मेरा नहीं है, और जो मेरा नहीं है वो मेरा किस काम का? इसीलिए कभी भी एक इंसान को सिर्फ तब तक आजमाओ जब तक वो आपको धोखा नहीं देता। जब उसने आपको धोखा दे दिया, वहीं पे आपकी आजमाइश ख़त्म हो गई, और जहां आपकी आजमाइश ख़त्म हुई वहां पे आप दोनों का रिश्ता ख़त्म हो गया। इस बात को एक्सेप्ट करो और इससे आगे बढ़ो, मूव ऑन करो अपनी लाइफ में। एक ही इंसान के आसपास अपनी ज़िंदगी मत बनाओ कि बस वही है, चाहे जैसा भी है, धोखा दे, कुछ भी करे, अय्याशी करे, बस वही है। कोई भी चांस, कोई भी मजबूरी नहीं है तुम्हारी जो ऐसे इंसान को तुम्हें बार बार चांसेस देने पड़ रहे हैं। कोई भी मजबूरी नहीं है। तुम अपनी ज़िंदगी को एक नए सिरे से शुरुआत कर सकते हो, उसको नए सिरे से शुरू कर सकते हो, और अपनी लाइफ में कुछ अच्छा अचीव कर सकते हो। एक ऐसा इंसान तुम्हारी लाइफ में आ सकता है जो शायद तुम्हें धोखा ना दे, तो तुम्हें एक ऐसे इंसान के साथ अपनी लाइफ स्पेंड क्यों करनी है जो तुम्हें बार बार धोखा दे रहा है? इन बातों को गौर से समझो, इन बातों पे इम्पोर्टेंस दो, और समझो कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, तुम अब तक क्या करते आए हो।
एक इंसान को बार बार मौका दे रहे हो ये जानने के बाद भी वो इंसान तुम्हें कितनी बार चीट कर चुका है, और अब भी तुम उसको जितनी बार वो दरवाजे पे आएगा उतनी बार तुम दरवाज़ा खोलोगे और उतनी बार तुम उसे अंदर बुलाओगे। ये क्यों, आखिर क्या मजबूरी है तुम्हारी? तुम्हारी कोई भी मजबूरी नहीं है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को समझो, उसको इम्पोर्टेंस दो, और जो चीज़ ज़रूरी है उस चीज़ को फॉलो करो। ये लोग हमारी लाइफ में ज़रूरी नहीं होते हैं, वो तब तक ज़रूरी होते हैं जब तक हम उनके लिए ज़रूरी हैं। जहाँ उन्होंने हमारी ज़रूरत ख़त्म कर दी, जहाँ हम उनके लिए ज़रूरी नहीं है, वहाँ फिर वो भी हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। तो ऐसे इंसान को कभी भी मौका मत दो अपनी लाइफ में जो तुम्हें चीट कर रहा है या कर चुका है। अगर तुम्हारी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आया है जो तुम्हें बार बार चीट कर रहा है, तो भगवान के लिए ऐसे इंसान को बार बार मौका मत दो। ये सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हें बर्बाद कर रहा है, तुम्हारी मेंटल पीस ख़त्म कर रहा है और कुछ नहीं। एक्सेप्ट करो सिचुएशन को, लाइफ में आगे बढ़ो, और इस ब्रेकअप को एक्सेप्ट करो पूरी तरीके से, और इस चीज़ से अपने आप को ओवरकम करो। अपने आप को टाइम दो, वक्त दो, वक्त सब कुछ ठीक कर देता है यार। अपने आप को वक्त दो इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, और बस आगे बढ़ो अपनी लाइफ में। स्टक मत रहो, कोई मजबूरी नहीं है तुम्हारी, किसी भी तरीके की कोई मजबूरी नहीं है। इसे मजबूरी मत बनाओ अपनी कि यही इंसान है, मैंने तो इसी से प्यार किया था। अरे कोई बात नहीं, इंसान को एक ज़िंदगी में दोबारा भी प्यार होता है। अपने आप को एक मौका तो दो। अगर प्यार नहीं करना मत करो, लेकिन अपने आप को उस चीज़ से बाहर तो निकालो, बहुत ज़रूरी है तुम्हारे लिए। अगर नहीं करोगे तो फंस के रह जाओगे एक ऐसे इंसान के, एक ऐसे दरिंदे के बीच में जो तुम्हें बर्बाद कर देगा धीरे धीरे। मेरी इस बात को समझो और फिर फैसला लो। अगर इसके बाद भी तुम मुझसे बात करना चाहते हो, तो मेरी वेबसाइट पे जाओ anubhavagrawal.com। वहाँ पे लेस टॉक सेशन का एक सेक्शन है, वहाँ पे जाइए। इंडिविजुअल, वीडियो कॉल एंड कपल कॉन्फ्रेंसिंग के ऑप्शंस हैं, उनमें से आप सेशन सेलेक्ट करके मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हैं और एक अच्छा सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो खामोश मत बैठो, अपनी मेंटल हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, वो सबसे ऊपर है।